हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आपके संस्कृत के 2016 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन पेपर हैं सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आपके किस प्रकार से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ। तो सूत्र आपको बताया था अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, यानी कि विसर्ग का क्या रहेगा, कंठ रहेगा। एकोन चत्वारिंशत शब्द का अर्थ है, चत्वारिंशत मीन्स 40, एकोन मीन्स एक कम, 40 - 1 यानी कि 39। तो आंसर रहेगा 39, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, चोरभ्यम में समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। चोर से भय होगा ना, तो कौन सा समास रहेगा, तत्पुरुष समास। हिंदी में विक्षेद करो, अपने आप पहचान जाओगे कौन सा समास है आपका। अगला है, भयार्थक व रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी या द्वितीया। तो ये इम्पॉर्टेंट भी मैंने बताया था कि जब भी आपका रक्षार्थक या भयार्थक धातुओं का प्रयोग होता है तो वहाँ पर होती है पंचमी विभक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट है, अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। अहम का क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जो कर्ता, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्ता में हो जाती है तृतीय विभक्ति और कर्म में हो जाती है प्रथमा विभक्ति। अहम का हो जाएगा यहाँ पर मया, ठीक है। बालकम है ना, बालकम में अभी द्वितीया है, अभी हो जाएगी क्या, प्रथमा। तो मया बालका दृश्यते, ठीक है। पश्यामि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दृश्यते। कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, तो ये मिल रहा है डी ऑप्शन। अगला आपका प्रश्न है, दो प्रश्न पत्र 2017 का। पहला प्रश्न है, ओम की ओम में ओ के आगे अवग्रह आ है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या उपृत में से कोई नहीं। तो ये है आपका प्लुत स्वर। ई का उच्चारण स्थान है, कंठ, ताल, मूर्धा या फिर ओष्ठ। तो इच्छु यशानाम मूर्धा, तो इच्छु यशानाम, सॉरी, इच्छु यशानाम तालु, ऋटुषाणाम मूर्धा होता है, गलत हो गया। इच्छु यशानाम तालु, यानी कि ई का उच्चारण कहाँ से करेंगे, तालु से करेंगे, क्लियर है। अगला है आपका, पितृणाम पद में कौन सी संधि है, पितृ यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, पितृणम, पितृणम में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अगा सवर्ण दीर्घा। शुद्ध वाक्य है, ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति या उपयुक्त सभी। तो बताया था आपको जो बिना लग जाता है ना, तो वहाँ पर द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों ही विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ज्ञानम भी करेक्ट है, ज्ञानेन भी करेक्ट है और ज्ञानात भी करेक्ट है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चतुर्विंशति का अर्थ है, विंशति मीन्स क्या होता है, 20, चतुर मीन्स क्या, 4, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24। तो आंसर एक ऑप्शन नंबर ए, 24। नेक्स्ट 2018 का प्रश्न पत्र, पहला इसमें क्वेश्चन है, संस्कृत में भविष्य काल का प्रयोग के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं, लट लकार, लोट लकार, लुट लकार या लंग लकार। भविष्य काल का है ना, भविष्य काल के लिए करते हैं लट लकार का, लट का करते हैं वर्तमान के लिए, लोट का आज्ञावाचक के लिए और लंग का भूतकाल के लिए। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, उपयुक्त, उपयुक्त या उपर्युक्त। तो उपर्युक्त जिसमें रा उड़ा हुआ है ना, ये वाला करेक्ट है। उपरी प्लस उपयुक्त से, सॉरी, उपरी प्लस उक्त से ये बना हुआ है संधि, हो रही है संधि। अगला है, संख्यावाची शब्द सन नवति अंग का वाचक है, नवति मीन्स होता है 90 और षड् लगा हुआ यानी कि 6, 90 और 6 कितने हो जाएंगे, 96, ठीक है, यानी कि आंसर रहेगा 96, बी ऑप्शन। कर्ता का इष्टतम कारक है, संबंध, करण, संप्रदान या कर्म। तो कर्ता का इष्टतम जो कारक होता है वो होता है कर्म। आकाश सवर्णी दीर्घा सूत्र है, याद संधि का, गुड़ संधि का, दीर्घ संधि का, यड़ संधि का। तो आकाश सवर्णी दीर्घा सूत्र है दीर्घ संधि का, अयाद संधि का सूत्र होता है एचो अयवायावाह, गुड़ संधि का सूत्र होता है आद गुड़हा और यड़ संधि का सूत्र होता है एको यड़च्छ, ठीक है। अगला है 2019 का पेपर, जिसका पहला प्रश्न है, जा वर्ण का उच्चारण स्थान है, अभी जस्ट बताया था इच्छु यशानाम तालु, इच्छु यशानाम तालु क्या कहता है आपका, कि ई, चा वर्ग, या और शा का उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से होगा। जा किस में आता है, चा वर्ग में। आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, द्विगु, बहुप्रिय, अव्ययीभाव या कर्मधार है। तो आजीवनम में आपका है अव्ययीभाव समास।
अगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का या प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का। अपठत, अपठताम, अपठन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। अगला है सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेशु, अश्वम, पुस्तक संज्ञा है, अरण्य जंगल को कहते हैं, ये भी आपका संज्ञा है, अश्व घोड़ा ये भी संज्ञा है, क्या रहेगा सर्वेशु यानी कि सभी। नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है षष्ठी, प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, तो नद्या जो शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति है, पंचमी अगर होती है यहाँ पर तो पंचमी भी, षष्ठी और पंचमी के एक वचन का रूप है नद्या। अगला है आपका 2022 का पेपर जिसका पहला है संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 8, 12, 10 या 14, तो ये संख्या है 14। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन डाल दिया जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में माहेश्वर सूत्र है भी नहीं, फिर भी माहेश्वर सूत्र वहाँ लिखने को आ गए थे। टा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या फिर ओष्ट, तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा यानी कि क्या रहेगा टा वर्ग का मूर्धा। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है बालक, नदी, एतत या फिर विद्यालय, तो एतत आपका नपुंसक लिंग में आ जाएगा। रमेश में कौन सी संधि है, तो रमेश का पहले संधि विच्छेद कर लो, रमा प्लस ईश, आ और ए मिलके बन गए ए, ये किस में आते हैं गुण संधि में, सूत्र क्या है आद गुणा। राज पुरुष में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास या बहुव्रीहि समास, तो राज पुरुष में आपका कौन सा समास है तत्पुरुष समास, ठीक है। कारक चिन्ह का लोप होता है वो कहलाते तत्पुरुष समास, इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो 2022 तक के आपके जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपके अगली क्लास में अगली अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे चलिए बाय, टेक केयर।